नगर पालिका परिषद अम्बा में स्वच्छता चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें मेंटर डॉक्टर देवेंद्र नागी द्वारा स्वच्छता के बारे में बताया गया कैसे सफाई कर्मचारी शहर को स्वच्छ रखते हैं और समस्त शहरवासियों को इसमें सहयोग करना चाहिए, एवं सफाई कर्मचारियों का CMO सारिफ कौसर जनप्रतिनिधि द्वारा सम्मान किया गया। कार्यक्रम में उपयंत्री के दीक्षित, पार्षद विक्रम तोमर, सत्यवीर कपासिया, भाजपा नेता अशोक कपासिया, कदम सिंह, पार्षद बहादुर प्रजापति, सफाई दरोगा राम नरेश, नगर पालिका कर्मचारी जावेद खान, रोहित सिंह, रवि शर्मा, दानिश बेग, प्रेम सिंह, आकाश दुबे, विद्याराम एवं समस्त कर्मचारी मौजूद रहे। अब आने वाले समय में 500 रुपए एक्स्ट्रा रखना शुरू कर दो, ये पूछना चाहिए कि क्यों? डॉक्टर के लिए जरूरी है क्यों? क्योंकि हमको ये तो चीज समझ में नहीं आ रही है कि इतना छोटा सा काम है कि हमारे घर का इतना सा कचरा होता है और उस कचरे को एक पन्नी में रख लें, बल्कि गाड़ी आएगी तो गाड़ी में डाल देंगे तो डस्टबिन रख लें, कितनी छोटी सी आदत है। लेकिन अगर वो आदत नहीं बन रही है तो फिर 500 1000 रुपये एक सदस्य पे, दूसरे सदस्य पे, तीसरा बीमार हो रहा है, चौथा बीमार हो रहा है, ये भी कर सकते हैं, ये तो कर ही रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो अपनी आदतें बदलना चाहेंगे या हजारों रुपए डॉक्टर को देना चाहेंगे? मैं तो डॉक्टर हूँ वैसे देखो, लेकिन मैं डॉक्टरों की दुकान बंद कर रहा हूँ, हूँ मैं डॉक्टर, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर अपनी आदतें सुधारेंगे, स्वच्छता पर ध्यान देंगे, आप विश्वास करिए, आप अपने लिए करिए, सरकारों के लिए मत करिए और किसी के लिए मत करिए, अपने बच्चों के लिए भी मत करिए। लेकिन मैं महिलाओं में देखता हूँ, महिलाओं में जो खून की कमी है शरीर में, एनीमिया है, महिलाओं के और भी जो महामारी के संक्रमण हैं, उनके जो UTI के संक्रमण है, ये सब कुछ गंदगी से संबंधित है। आधी से ज़्यादा बीमारियाँ गंदगी से संबंधित हैं हमारी। आप साफ करना शुरू कर दीजिए, अपने शहर को खुद साफ रखना शुरू कर दीजिए, आप देखिए कि आपका जो पैसा कहीं कहीं जा रहा है, डॉक्टरों के क्लिनिक पर जा रहा है, उसका इस्तेमाल आप अपने जीवन को बेहतर बनाने में कर सकते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कर सकते हैं, कुछ और व्यवस्थाएं करने में कर सकते हैं।